हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सेंगर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द इंग्लिश लवर्स में। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं हैंग, हंग और हैंग्ड में क्या है अंतर। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जो हैंग H-A-N-G हैंग दोस्तों, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और इस वर्ड का मीनिंग होता है लटकाना। इसका सेकंड फॉर्म होता है हंग और थर्ड फॉर्म भी इसका होता है हंग H-U-N-G। यानी कि अगर किसी वर्ड का मीनिंग हो जाए लटकाना, जैसे किसी चीज़ को लटकाना, जैसे फैन को लटकाना, किसी पिक्चर को लटकाना, इन सभी केसेस में हैंग का सेकंड फॉर्म बनता है हंग। हैंग का दूसरा मीनिंग होता है किसी को फांसी देना। जब दोस्तों इसका मीनिंग बनता है फांसी देना, तो इसका सेकंड फॉर्म बनता है हैंग्ड और थर्ड फॉर्म भी इसका बन जाता है हैंग्ड। ऑलराइट, यानी कि किसी चीज़ को लटकाना या फांसी देना, दोनों का जो फर्स्ट फॉर्म है वो एकदम सेम है हैंग, लेकिन डिफरेंस आता है सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में। इतना क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में बहुत ही सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जहाँ पे आपको हंग लगाना होगा वहाँ पे हैंग्ड दे देगा, और जहाँ पे हैंग्ड लगाना होगा वहाँ पे मिल जाएगा आपको हंग। बस रिप्लेस करने का वर्ड आप लोगों से पूछ लिया जाता है। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ, I hanged a picture on the wall, तो बताइए क्या फ्रेंड्स ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप बात कर रहे हैं पिक्चर की, इसलिए इसका जो सेकेंड फॉर्म बनेगा वो बनेगा हंग। करेक्ट होगा I hung a picture। दूसरा सेंटेंस है, He was hung for his crimes, उसको लटकाया गया उसके क्राइम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है किसी को फांसी देने की, और फांसी देने के रेफरेंस में हम लगाएंगे हैंग्ड, ना कि हंग। आई होप ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और समझ लेते हैं। दोस्तों, एक फ्रेज़ होता है हैंग फायर। इस फ्रेज़ का मीनिंग होता है टू रिमेन अनरिजॉल्व्ड, या हो सकता है डिले, किसी चीज़ को टालना, या कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है, यानी कि जिस जो सुलझा नहीं है। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। द प्लान विल हैव टू हैंग फायर अनटिल योर फादर अप्रूव्स इट। ये जो प्लान है उसे डिले करना पड़ेगा जब तक कि आपके फादर का अप्रूवल नहीं मिल जाता, यानी कि वो इसे अप्रूव नहीं कर देते। तो आई होप दोस्तों, ये हैंग, हंग और हैंग्ड से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, अपना ख्याल रखो। जय हिंद।